माधवराव जी, बेटी के लिए कहीं रिश्ते देखे हो क्या? अभी छोटी है, पढ़ाई कर रही है, शादी के लिए बहुत टाइम है। माधवराव जी का दामाद कोई भी मामूली इंसान थोड़ा ही होगा। पहले कभी किसी ने भी नहीं करवाया हो, वैसी धूमधाम से शादी करवाएंगे। डैडी, आप प्रवीण को जानते हो ना? मैं उससे प्यार करती हूँ डैडी, उसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और समाज में उनके परिवार का नाम भी बहुत बदनाम है। कैसे? मैंने पता लगाया। हाँ, पर मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं उनके घर गई थी डैडी। आपने सही कहा था भैया, वो उसकी फैमिली और उसके सारे साथी बहुत बेशरम है। तुम्हारे बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हम सबको गंदी तरह से जलील करके अपमान किया है भैया। उस लड़के से प्यार करना गलत है? उस लड़के से करना गलत है। ऐसा क्यों? चलिए एक और रीजन बताइए। नम्रता। हाँ बताइए ना। वो नहीं चाहिए। अरे मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छे लड़के के साथ मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, भूल जाओ उसे। अरे मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, आप किसी और की बात कर रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, क्या मैं आप लोगों को पागल लगती हूँ, बुद्धू लगती हूँ आप लोगों को? नम्रता हा? बेटा ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है। हाँ अच्छे से पढ़ाई कर। नम्रता वेड्स प्रवीण। हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ। ए, चिल्लाना बंद कर, चल निकल। आपने नम्रता को जान से ज्यादा प्यार किया है, सीने पर रख कर प्यार किया है, करेक्ट है, लेकिन नम्रता वैसी लड़की नहीं है। प्रेस वाले कोई भी माइक रखते हैं तो बाप एक पागल है और चाचा एक नालायक है कहती है वो। ऐसा सब बोलकर सारे दुनिया के सामने हमारा नाम बर्बाद कर रही है वो। अब आपकी नम्रता नहीं रही भैया, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन मेरी बेटी इस घर में मुझे चाहिए। ओए माधवराव। ए, कौन हो तुम लोग, चिल्ला क्यों रहे हो, निकलो यहाँ से। ए, ये कौन है जानते हो? इस घर का दामाद है। ए, दामाद मात कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से, चल। डैडी, ये तो सिर्फ शुरुआत है डैडी, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको ऐसा बहुत कुछ देखना पड़ेगा। नम्रता, तू हमारी ही परवरिश है ना, तुझे देख कर तो हमें खुद से ही घिन आ रही है। तुम भी अगर किसी से प्यार करती तो मेबी मेरी ही जैसी होती, इसलिए मुझे जज करना छोड़कर डैडी को कन्विंस करो। प्रवीण इस घर का दामाद है, मेरा पति है। आपसे बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती। प्यार करना गलत है क्या डैडी? मैंने पाप किया है? दुनिया में कोई नहीं करता क्या? अब तक प्यार से समझाने वाले माधवराव डैडी को तूने देखा है, लेकिन माधव राव किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये शायद तुम जानती नहीं। समझ जाओ बेटी, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरा सब कुछ, यहां तक कि मेरी दौलत भी, सब कुछ तुम्हारा ही होगा बेटी। फिर आप चाहे मानो या ना मानो, प्रवीण इस घर का दामाद है, याद रखना।